माय चैनल आई टी आई स्किल फॉर यू। फ्रेंड्स, आज हम एक सिंपल वायरिंग करेंगे जिसमें दो बल्ब लिए हैं 100 वाट्स का और दो स्विच लिए हैं। फ्रेंड्स, तो देखेंगे कि पहला स्विच से कैसे फर्स्ट बल्ब ऑन होगा ऑफ होगा और सेकंड स्विच से कैसे सेकंड बल्ब ऑन ऑफ होगा। तो बहुत सिंपल है, जो घर में वायरिंग डोमेस्टिक वायरिंग किया जाता है उसी को हम लोग कर रहे हैं। तो आइए फ्रेंड्स इसको हम हाँ तो फ्रेंड्स आज हम जो वायरिंग करने जा रहे हैं वो सिंपल डोमेस्टिक वायरिंग है। इसमें दो बल्ब ले रहे हैं और दो वन वे स्विच लिए हैं फ्रेंड्स, और इसका हम कनेक्शन करेंगे और फिर इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे न्यूट्रल सप्लाई लेंगे और न्यूट्रल सप्लाई से होता हुआ ये मेरा यहाँ फर्स्ट बल्ब रहेगा फ्रेंड्स, और फर्स्ट बल्ब से और यहाँ पे फिर हम यहाँ ले लेंगे फेज सप्लाई, जो कि आपका आएगा वन वे स्विच में आएगा, और वन वे स्विच में यहाँ पे हम इसको कनेक्ट कर देंगे। वन वे स्विच में यहाँ कनेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, और सेकेंड लीड जो रहेगा जब यहाँ स्विच को पहला स्विच को जब हम ऑन करेंगे तो यहाँ से सप्लाई जाएगा और यहाँ से फिर मेरा ये बल्ब तक पहुँचेगा और बल्ब मेरा ऑन हो जाएगा फ्रेंड्स। और सेकेंड बल्ब का भी कनेक्शन उसके लिए हम यहाँ से न्यूट्रल ले लेंगे और न्यूट्रल लेके यहाँ पे बल्ब लगाएंगे, दूसरा बल्ब जो है, और दूसरा स्विच हम यहाँ लेंगे जो वन वे स्विच रहेगा, और इसका यहाँ से हम सप्लाई इसको नीचे में यहाँ सप्लाई दे देंगे, और यहाँ से फिर इसको दूसरे बल्ब को हम यहाँ से फेज सप्लाई देंगे। तो जैसे ही स्विच टू को यहाँ से हम ऑन करेंगे तो ये बल्ब मेरा ग्लो करेगा, ये मेरा बल्ब वन हो गया और ये बल्ब टू हो गया, ये स्विच वन स्विच टू। तो सिंपल इस तरह से पैरेलल में वायरिंग घर का किया जाता है। तो आइए इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देख लेते हैं, इसको हम ऑन ऑफ करके देखते हैं। यहाँ से हम एक्सटेंशन बोर्ड से इसको सिंपल सर्किट को इसको हम सप्लाई दे दिए और ये मेरा पहला स्विच हो गया। इसको यहाँ से ऑन करते हैं तो देखिए पहला बल्ब मेरा ऑन हो गया, यहाँ से ऑफ हो जा रहा है, और दूसरा सेकंड स्विच से सेकंड बल्ब ऑन हो रहा है और यहाँ से ऑफ हो जा रहा है। तो ये सिंपल वायरिंग हो गया फ्रेंड्स।